अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चिकन 65, जिसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन हाफ केजी, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून, हॉट सॉस 2 टीस्पून, एक अंडा, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, बेसन 2 टीस्पून, मैदा 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका, सिरका 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून, जीरा 3 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, सोया सॉस 2 टीस्पून, हरा धनिया, दही 2 टीस्पून, साबित हरी मिर्ची 4 से 5, करी पत्ता थोड़ा सा, 3 मीडियम साइज के टमाटरों की प्यूरी तलने के लिए तेल। चिकन में शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच और 1 चम्मच ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैदा, बेसन 1 चम्मच डालेंगे और 1 चम्मच ग्रेवी के लिए, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर आधा डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, हॉट सॉस, सिरका, अंडा डालकर मिलाएंगे। और सोया सॉस डालकर मिलाएंगे। और इसे रैप करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे तल लेंगे। कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। हरी मिर्चों को बीच में से कट लगाकर तेल में डालेंगे। थोड़े से करी पत्ता, टमाटरों की प्यूरी डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक डालकर पकाएंगे। और ये है रेड फूड कलर, मैं आपको बताना भूल गई थी, थोड़ा सा रेड कलर डालेंगे और पकाएंगे। दूसरी तरफ छोटे से बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच बेसन डालकर थोड़े से पानी में इसका घोल बनाएंगे। अब हम कढ़ाई में हरा धनिया, जीरा पाउडर, दही डालकर मिलाएंगे। और जो घोल हमने तैयार किया था वो इसमें मिलाएंगे और आधे मिनट के लिए पकाएंगे। तले हुए चिकन इसमें डालकर अच्छे से मिलाएंगे। आखिर में जीरा पाउडर डालकर 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। चिकन 65 बनकर तैयार है, अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।